गत वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में देवास ने स्वच्छता पर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी ली और देश में 68वां स्थान पाकर गौरवमयी उपलब्धि हासिल की। उसी तरह इस वर्ष भी दुगुने जोश और उत्साह के साथ एक बार फिर देवास इस स्वच्छता पर्व में हिस्सा लेने के लिए तत्पर और तैयार है। कहते हैं पक्षी भोर 4 बजे जग जाते हैं, लेकिन इनसे भी पहले जाग जाते हैं हमारे घर घर कचरा संग्रहण करने वाले गाड़ियों के ये हमारे चालक, जो शहर के कोने कोने से सूखे एवं गीले कचरे को चुन चुन कर ले जाते हैं। हमारे यहाँ नगर निगम में 45 वार्ड हैं, उसमें हम 45 ही वार्डों में 48 डोर टू डोर कचरा वाहन निकालते हैं, जो हमारे सवेरे में यहाँ पहुँचता हूँ 5:30 बजे करीब, और 6 बजे तक मेरे सारा स्टाफ आ जाता है। 6 बजे करीब हम सारी गाड़ियाँ बाहर कर देते हैं। देवास की व्यस्त सड़कों पर अब आपको कूड़े के अंबार दिखाई नहीं देंगे। 35 से भी अधिक कूड़े के ढेरों को देवास ट्रेंचिंग ग्राउंड का रास्ता दिखाया जा चुका है। अब उनकी जगह ले ली है नए रोपित पौधों ने और दीवारों पर उकेरे दर्जनों मनोहारी चित्रों ने, जिसका सारा श्रेय नगर के बुद्धिजीवियों, जागरूक नागरिकों और 800 से अधिक सफाई दूतों के अथक प्रयासों को जाता है। जो कर्मचारी वगैरह हैं, अब समय से काम कर रहे हैं, पहले से देवास जिले में बदलाव लग रहा है। काम इतना वो है, जैसे सड़कें निर्माण है, शौचालय है, हर चीज़ में एक प्रशासन और एक जो जनता जागरूक है वो अच्छा काम कर रहे हैं। देवास के बदलते स्वरूप का एक झरोखा हमारी नजरों के सामने है। विगत कुछ ही दिनों में 27 से अधिक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। शहर की सयाजी चौपाटी, जहां की हर शाम हमारे पानी पताशे के आनंद के बिना अधूरी सी होती है, अब पूरी तरह से डिस्पोजल मुक्त हो चुकी है। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों में कुल 200 से अधिक रंगीन जुड़वां डस्टबिन स्थापित किए जा चुके हैं और देवास शहर के सारे कूड़े को ट्रेंचिंग ग्राउंड पर वैज्ञानिक पद्धति से निष्पादित किया जा रहा है। वहीं 15 से अधिक बगीचों में कचरे के निस्तारण के लिए नवीन विधियों द्वारा गार्डन कंपोस्टिंग का कार्य शुरू किया गया है, जो हमें स्वच्छ वातावरण के साथ स्वास्थ्य लाभ भी देता है। शहर के पुराने और लोकप्रिय क्षेत्र भव्य और आकर्षक होते जा रहे हैं, जहां शुक्रवार या हाट के बीचों बीच खड़ा गोल टावर दिन में कई बार रहवासियों के मन को मोह लेता है। वहीं सुभाष चौक का हॉट टावर रात्रि में रंग बिरंगी रोशनी से टिमटिमाते तारों सा जगमगाने लगता है। इन सब के अलावा यहाँ के कर्मठ नागरिक और सुशासित नगर निगम के आपसी सहयोग ने मिलकर एक अनूठी पहल की। शहर की दशकों पुरानी प्राचीन बावड़ी की महज 12 घंटे के निरंतर श्रमदान, वृक्षारोपण एवं चित्रकारी द्वारा काया पलट कर रख दी। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें कॉलोनी का सहयोग भी बहुत अच्छा रहा और नगर पालिका ने हमें पूरा सहयोग दिया। इससे ये जगह इतनी अच्छी हो गई है, नीट एंड क्लीन हो गई है। पूरा गंदगा, उधर भी पूरा सामान पड़ा था लोगों का, इधर भी पूरा झाड़, इतने बड़े बड़े हो गए हुए थे, ये प्लेस नजर नहीं आ रहा था, पूरा ये भी नहीं बना हुआ था। जल संरक्षण के क्षेत्र में भी नगर निगम ने अनुकरणीय पहल की है, जिसके अंतर्गत मीठा तालाब का नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण किया गया है। उसी स्पर्धा में समय के साथ आगे बढ़ते देवास ने मंडूक पुष्कर को एक बड़े ही सुंदर सेल्फी पॉइंट में तब्दील कर दिया है, जहां आकर हर कोई अपने को प्रकृति के समीप पाकर अपनी यादों को चिर समय तक कैमरा में कैद करना चाहता है। नगर के सर्वांगीण विकास के इस प्रयास में स्कूल के नौनिहालों, कॉलेज की तरुणाई व आंगनवाड़ी के सहज लोगों को भी जोड़ा गया है। शहर की झुग्गियों का सारा स्वरूप बदल सा गया है, जिन्हें दीवारों पर सामाजिक संदेश देते हुए चित्रकारी, पौधरोपण एवं नव निर्मित सामुदायिक शौचालयों ने पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है, जिनके चलते देवास ODF यानी
पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त शहर के रूप में सामने आया है, जो शहर की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। देवास शहर में 30 से अधिक रहवासी संगठनों का गठन किया गया है और नुक्कड़ नाटक हर रविवार राहगीरी एवं हर संभव तरीके से रहवासियों में सफाई व विकास जागरूकता के संदेश को पहुंचाया है। इन्हीं सब के साथ देवास स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में पूरी तैयारी के साथ भागीदार बना है और जरूर आगे भी सदैव अग्रसर और उन्नत होता देवास शहर एक अच्छे स्वच्छ स्वस्थ भविष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाता रहेगा।